नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? तभी बारिश का मौसम भी है, सब्जी में कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊं, तो मैंने फ्रिज में एक बैगन देखा तो अब उसका ही सोचे भजिया बना ले। और ये ना इतना सिंपल वे में बन जाएगा, 5 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा और खाने में भी टेस्टी, तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। तो इसके लिए भट्टा बैगन लिए हैं, एक बैगन आपको जितना बनाना है उतना ले लीजिए। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो बैगन को इतने थिकनेस में मैंने काट लिया है, उसके स्लाइस कर लिए हैं 7 से 8। हुआ, अब इसको बनाएंगे चावल के आटा के साथ। इससे क्या है ना कि ऊपर से जो कोटिंग होगा वो थोड़ा कुरकुरा जैसा हो जाएगा और अंदर तो बैगन बहुत ही सॉफ्ट होता ही है। तो ये चावल का आटा 1 चम्मच ले लिए हैं और अभी कुछ बेसिक मसाला, लेकिन इसमें हम मेनली थोड़ा सा हल्दी दे दिए और थोड़ा सा हल्दी सारे बैगन पर भी छिड़क देंगे। आप लोग एक बार ज़रूर बनाइए, इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं, लंच में बनाइए, डिनर में बनाइए, या ऐसे नाश्ते में भी बहुत ही अच्छा लगता है बैगन का भजिया, जिसमें ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत नहीं है। तो नमक और मिर्ची को एक साइड में बैगन में कोट कर दिए हैं, ऐसे हाथ से उंगली से ये पूरा घस के। आप लोग ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे हाथ से थोड़ा जल्दी होता है तो इसलिए मैंने हाथ का इस्तेमाल किया। तो अब इसमें चावल के आटा में ये 1 चम्मच ये पाव भाजी मसाला है, इससे तो सब्जी का टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट लगेगा। आप लोग ज़रूर बनाइएगा। 1 चम्मच छोटा चम्मच मैंने पाव भाजी मसाला लिए, 1 चम्मच आमचूर का पाउडर, मिर्ची लाल मिर्च पाउडर तीखा अपने हिसाब से, थोड़ा सा नमक मैंने बैगन पे छिड़क दिया, थोड़ा सा इस चावल के आटा के मिक्सचर में मिला लिया है। अब इस मिक्सचर को क्या करेंगे, सारे जो बैगन है ना उसको पानी से निकालने के बाद हल्का सा मैंने पानी सूखने दे दिया था, उसके बाद इस पर कोट कर देंगे। तुरंत कोट पकड़ लेता है ऐसे, और इससे क्या है आपको उस बैगन में पाव भाजी का वो जो मसाला होता है ना उसके कारण टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरीके से दोनों साइड से अच्छे से कोट कर लेंगे। आप एक पैन चढ़ाते हैं, इस पैन में मैंने पहले मिर्ची का भजिया बनाया था तो उसी का ये पैन है। थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा, थोड़ा सा हाफ छोटा चम्मच सरसों का तेल, और उसमें इसको जब तेल गर्म हो जाए तो सारे बैगन के पीस को ऐसे सेट कर देंगे एक बार में जितना है। उसके बाद इसको मीडियम फ्लेम पे, बहुत स्लो भी नहीं करना है, बहुत हाई भी नहीं, थोड़ा मीडियम पे ही इसको, देखिए एक तरफ से हो गया है तो दूसरे तरफ से भी पलट लेंगे। थोड़ा सा सरसों तेल 2-3 बूंद और डाल दिए, या तो ऐसे मिला लीजिए, आप इस टाइम पर ऐसे भी उतार सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा खर बनाई हूँ तो इसलिए ये परफेक्टली पक गया है। इसको निकाल लेंगे, एक बार देख लेते हैं, आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। आप लोगों यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो देखिए ये जो बाद में दो था वो भी पका बना लिए हैं, अब इसको आप जैसे भी सर्व कीजिए, ये तो इसके साथ सॉस चटनी जो भी सर्व कीजिए, या आप इसको किसी भी रोटी चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो आप लोग जिसके साथ भी हो एंजॉय कीजिए, लेकिन ज़रूर इस तरीके से बनाइए, झटपट बन जाता है और कुछ समझ में नहीं आता है बारिश के मौसम में क्या बनाया जाए, तो सूखा सूखा ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो एक बार बनाइए और कैसा बनता है वो भी बताइए।